और एम्प्लॉयज जैसे एग्जेम्पशन की ज्यादा चाहते हैं, जैसे सेक्शन 10 है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, अलाउंसेज हैं, उनकी लिमिट बढ़ाई जाए। सीनियर सिटीजन अबव 60 की उम्मीद है कि वो टैक्स ना पे करें, अगर वो एनपीएस से आ रहे हैं या एनुटी खरीद रहे हैं या कोई भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ले रहे हैं, ऐसी सभी स्कीम्स टैक्स एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। हर बार जब बजट आने वाला होता है, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करती हैं, सबसे ज्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो टैक्स पेयर्स को होती है कि उनके लिए कुछ ना कुछ घोषणा की जाएगी। एटीसी में उन्हें थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, उनको होम लोन के इंटरेस्ट पे या प्रिंसिपल पे कुछ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर होता है कि उनके लिए घोषणाएं सबसे कम होती हैं। टैक्स पेयर की इन्हीं उम्मीदों को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं तारिश जी। तारिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो आम टैक्स पेयर्स हैं उनको क्या उम्मीद उम्मीद है या उम्मीद होनी चाहिए जो इस बार बजट में हो उनके लिए? नमस्कार, शुक्रिया पहली बात कि आपने मुझे बुलाया, और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है टैक्स के बारे में बात करने का और बजट के बारे में जो उम्मीदें आम आदमी की हैं। एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। जी तो पिछले 2 साल के कोविड से निकलने के बाद टैक्स की रिलीफ रिलेटेड मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन को रिलीफ की उम्मीदें ज़्यादा हैं, जैसे कि उनको उम्मीदें हैं कि ATC में इसमें कुछ ज़्यादा रिलीफ मिले। जो टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट है, स्लैब्स हैं 2.5 लाख, 5 लाख, उसको बढ़ाया जाए, और जो परसेंटेज है जो दी गई है स्लैब्स के लिए, उसको भी बेहतर किया जाए। सर, आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि कितनी जो एटीसी की लिमिट है आम जनता उम्मीद कर सकती है कि सरकार उसको बढ़ाए? स्पेशली जो होम लोन प्रिंसिपल है, होम लोन इंटरेस्ट है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये उम्मीद है क्योंकि ये कई सालों से ये लिमिट्स को बढ़ाया नहीं गया, इसलिए उम्मीद ज़्यादा है। जैसे होम लोन की है, जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं इनकम टैक्स की, जी उसको रियलिटी में लिया जाए। रियलिटी में मतलब आज की रियलिटी क्या, कोविड से निकलने के बाद, कि जो आम आदमी का टैक्स है वो किसी तरह से, जो टैक्स पे आउट है वो कम हो, जी और एम्प्लॉयज जैसे एग्जेम्पशन की ज़्यादा चाहते हैं, जैसे सेक्शन 10 है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, अलाउंसेज हैं, उनकी लिमिट बढ़ाई जाए। अब अलाउंसेस सरकारी एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत सारे हैं कि उनको ये ड्यूटी करते हुए ये अलाउंसेस मिलते हैं, तो उसी तरह के कुछ अलाउंसेस आम आदमी जो सैलरीड है प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए वो बढ़ने चाहिए। और सेक्शन 10 में जो 5 अलाउंसेस दिए गए हैं उनको भी देना चाहिए, जैसे कि हाउस रेंट का अलाउंस है, जैसे कि चिल्ड्रंस एजुकेशन का है, हॉस्टल अलाउंस है, और ग्रेच्युटी का है, लीव ट्रैवल अलाउंस है। तो ये 5 तरह के जो सेक्शन 10 में आते हैं, इनकी लिमिट्स पिछले बहुत सालों में कभी बढ़ाई नहीं गई है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है 6-7% के हिसाब से, तो इनकी भी लिमिट्स को पिछले 10 सालों को देखते हुए लिमिट्स को बढ़ाने की उम्मीद है। जी सर, अगर अगर हम टैक्स पेयर्स की ही बात करें तो एनपीएस की खासकर, उसमें 2 लाख तक का एक लिमिट आपको मिलता है कि 2 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिलता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार को जो रिलीफ है खासकर एटीसी को लेके, इसमें और कुछ और मतलब खासकर मैं उस लिमिट को ही चाहती हूँ कि एटीसी में कितना लिमिट सरकार को बढ़ाना चाहिए टैक्स पेयर की, आफ्टर कोविड जब सेविंग की जो रिक्वायरमेंट है या डिमांड है वो बढ़ गई है, तो कितना वो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाना चाहिए सरकार को? देखिए, इसके दो पहलू हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 2 लाख को सरकार 10 लाख कर देती है, तो क्या लोग जोड़ने लग जाएंगे और 10 लाख को पूरा लेंगे? नहीं लेंगे। अगर 2 लाख को 3 लाख कर देती है, तो लोग बहुत ज्यादा उसको सेविंग में करेंगे, क्योंकि उनका पैसा उनके पास बच रहा है और टैक्स आउटगो कम होता है। और जहां तक एनपीएस की बात है, अब उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा कई सालों से चल रहा है कि एनपीएस रिडेम्पशन जब होती है, तो उसको जब एन्युटी में लिया जाता है 60 की एज पे, 70 की एज पे, तो उसको टैक्स फ्री करा जाना चाहिए। पूरा का पूरा अमाउंट मैं एन्युटी में ले जाऊं, और एन्युटी से जो मुझे पेंशन आए वो मुझे 60 की एज के बाद टैक्स फ्री होनी चाहिए। तो लोग उसमें भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अपनी पेंशन के लिए भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, और बाकी लोगों पे उम्मीदें कम रहेंगी। जी एक आखिरी सवाल कि वित्त मंत्री से अगर 3 डिमांड्स की अगर हम बात करें टैक्स पेयर्स की, तो वो क्या है और क्या सुझाव एक तरह से वित्त मंत्री जी को आप देना चाहेंगे इस बार के बजट में? बहुत बढ़िया। 3 चीजें।
कैपिटल गेन्स की बहुत देर से उम्मीद है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म को जो किया हुआ 1 साल उसके बाद 10% लगाया गया था उसको हटाया जाए ताकि आम आदमी कैपिटल गेन्स शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स में और तरीके से जोड़ सके। और कैपिटल जब आता है इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स में आता है तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आता है, तो उसको जो कैपिटल गेन्स है लॉन्ग टर्म इक्विटी का 10% हटाया जाना चाहिए। और डेट म्यूचुअल फंड्स डेट स्कीम्स में भी अट्रैक्टिव करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई जोड़ रहा है 2 महीने 6 महीने, जो कि कोविड के बाद देखा गया कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत है, इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत है, तो उस पर अगर टैक्स न लगे तो आम आदमी उसके लिए ये जोड़ेगा, ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में जोड़ेगा, डेट स्कीम्स में जोड़ेगा। और तीसरा है सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन अबव 60 की उम्मीद है कि वो टैक्स ना पे करें, अगर वो एनपीएस से आ रहे हैं या एनुटी खरीद रहे हैं या कोई भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ले रहे हैं, ऐसी सभी स्कीम्स टैक्स एग्जेम्प्ट होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन को फायदा हो। अगर सरकार ने एयरलाइंस और रेलवेज में सीनियर सिटीजन के अबव 60 के बेनिफिट हटाए हैं तो ये बेनिफिट देने का बनता है ताकि आम आदमी आज टैक्स पे करे और उसको आगे उम्मीद हो कि मेरे को ये 3 4 चीजें आफ्टर 60 मेरे को ये बेनिफिट्स मिलेंगे। जी सर, इसके अलावा अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें सुझाव में निर्मला सीतारमण जी के लिए। देखिए, टैक्स पेयर जो है आम आदमी जो सैलरीड है, प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, सीए है, डॉक्टर है, वो सभी उम्मीद करते हैं कि मैं टैक्स पे क्यों करूं, मुझे कुछ ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे कि मैं कोई होटल में जाऊं, मैं एयरलाइंस यूज करूं, मैं रेलवेज यूज करूं, मैं कोई भी सरकार की फैसिलिटी यूज करूं, तो मैं एक टैक्स पेयर होने के नाते मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अब वो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है जो सरकार चाहे कि हम टैक्स पेयर को देंगे, अबाउट 10 लाख को देंगे। अब जीएसटी भी मैं पे कर रहा हूँ, इनकम टैक्स भी मैं पे कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन होके मैं सीनियर सिटीजन होके भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए कि मैं प्रोत्साहित हूँ कि मैं टैक्स पे करता हूँ और मैं भारत का टैक्स पेयर हूँ। अब जो नहीं पे करता और पे करता है वो सड़क पे चलता है, गाड़ी चलाता है, कोई भी चीज यूज करता है, कोई फर्क नहीं है उसमें, तो फिर आम आदमी कहता है मैं क्यों यूज करूँ, मैं क्यों टैक्स को पे करूँ, मुझे कुछ बेनिफिट मिलता है, मुझे कुछ ऐसी सहूलियत मिलती है कि मैं बोलूँ मैं टैक्स पेयर हूँ भारत का, तो मुझे ये बेनिफिट मिलते हैं, तो वो बेनिफिट्स आम आदमी ढूंढता है। और मेरी वही मिनिस्टर से उम्मीद है कि ये चीजों को इंक्लूड किया जाए, कोई भी बेनिफिट्स दिया जाए, चाहे वो जीएसटी पेयर हो, इनकम टैक्स पेयर हो, सीनियर सिटीजन हो। जी सर, उम्मीद है कि जब वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जब बजट भाषण देंगी, जब वो टैक्स पेयर्स की बातों को सुनेंगी तो इन बातों का ध्यान रखेंगी और कोशिश हो कि इस बार बजट में खासकर टैक्स पेयर को कुछ और अच्छी चीजें उनके लिए सुनने को मिले, उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें टैक्स पेयर्स के लिए आए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।